यहाँ आपको अपडेट करेंगे, बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में रेलवे ट्रैक पर धमाके की इत्तलात हैं। बताते चले आपको कि बलूचिस्तान से खबर आ रही है जहाँ रेलवे ट्रैक पर धमाके की इत्तलात हैं। इस खबर की तफसीलात ले लेते हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा बुशरा कमर से। बुशरा, आगाह कीजिएगा, ये धमाका कहाँ हुआ है? जी, ये मस्क से जो पिशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस है, सिड्डी और मस्क के दरमियान का इलाका है जिसे पनीर कहा जाता है, यहाँ पर रेलवे ट्रैक के करीब धमाका हुआ जिसके नतीजे में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत दो बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई हैं, जिसके नतीजे में इन बोगियों में सवार पांच अफराद की अभी तक इतलात है कि वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर सिड्डी जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जबकि बाकी जो मुसाफिर हैं उन्हें बाहिफाजत जो पटरियां उसे बोगियां उतरी हैं उनसे निकालने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ महफूज मकाम पर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इस इलाके में पहुंच गई है, नेटवर्क ना होने की वजह से कुछ हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जैसे ही तमाम मुसाफिरों को जो है इन बोगियों से निकाल लिया जाएगा उसके बाद ही जो है वापस इस ट्रैक पर इन बोगियों को चलाने का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक इलाका दूर होने की वजह से काफी मुश्किलात का सामना जो है वो इलाका दूर होने की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में रेलवे ट्रैक पर धमाके की इतलात मौसूल हुई है और समय दो बोगियां पटरी से उतर गई हैं जिसमें काफी अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।